आपको हॉस्पिटल वहीं मिलेगा। निकालिए। सुबह का समय है और ऐसे में जो है हम अभी नक्की नगर आए हुए हैं ईदगाह रोड के पास केशवपुर में, और यहाँ से हमें एक सूचना मिली है कि ईंट के नीचे एक सांप बैठा हुआ है, तो आए हम उसे पकड़ने के लिए। चलकर देखते हैं उसका रेस्क्यू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ ईंट के बीच में एक कोबरा सांप है, गहमन सांप। ठंड का समय है और ऐसे में क्या है, लोग यहाँ आए थे ईंट हटाने के लिए और उन्हें यह सांप दिख गया। लोगों ने मारना उचित नहीं समझा, अच्छी बात है, हमें कॉल किया और बुलाया। तो चलिए अब हम इसका रेस्क्यू करते हैं। मीडियम साइज का स्नेक लग रहा है दोस्तों ये, और आप देख सकते हैं इसका मुंह यहीं पर है, किस तरह से यह छिप के बैठता है। दोस्तों देख सकते हैं सांप किस तरह से खुद को छोटी सी जगह में छिपा लेते हैं, छोटी से छोटी जगह में भी वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। और ऐसे में कोई व्यक्ति यदि उंगली से ईंट उठाने की कोशिश करता और इसके फेस के सामने उनका हाथ पड़ जाता तो हो सकता था यह बाइट कर सकता था। हालांकि दोस्तों ठंड के समय में सांप थोड़े कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब अगर इसके चेहरे के सामने कोई चला जाता तो बाइट हो जाती। तो चलिए इसे हम काफ़ी सावधानी से निकालते हैं, काफ़ी रिस्की कंडीशन है। देख सकते हैं सांप के साथ यहाँ देखो छिपकली है, कॉकरोच है और सब आसपास में ही है दोस्तों, और काफी बड़ा सांप लग रहा है दोस्तों। ये काफी बड़ा सांप है, देख सकते हैं और एक्टिव भी है। हालांकि ठंड तो है लेकिन ऊपर ज्यादा ठंड का असर नहीं दिख रहा है। चलिए उधर लेके चलते हैं इसको। देख सकते हैं दोस्तों एक्टिव भी है यह काफी, थोड़ा सा सर पे लग रहा है इसका साइज चोट है क्या, देखते हैं है? कुछ लगा हुआ जो है ना नीचे नीचे खाते चोट है क्या? नहीं नहीं चोट ना, कुछ लगा हुआ है, ईटा का दाग लगा हुआ है। हाँ वही ईटा का दाग है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों यही सांप है और गुस्से में भी है। दोस्तों ये एक जहरीला सांप होता है, इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। ऐसा सांप साथियों यदि अगर बाइट कर लेता है आपको तो आपको सीधा सरकारी सदर हॉस्पिटल जाना चाहिए। कभी भी दोस्तों ऐसे स्नेक बाइट होने पर झाड़ फूक का सहारा बिल्कुल ना ले। अगर आप झाड़ फूक में रहे हैं तो ये जानलेवा होगा आपके लिए, क्योंकि सांप का जहर जो है वो बॉडी में जाने पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, सिर्फ दवा काम करती है, और दवा आपको डॉक्टर से ही मिलेंगे, दवा आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा। देख पा रहे हैं अभी भी एक्टिव है यह कोबरा सांप। अब यह थोड़े गुस्से में आ रहा है तो हम इसे बाइट करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि अगर यह बाइट करता है तो इसके लिए खतरनाक होगा। क्योंकि ठंड में क्या है अभी इसे अपनी एनर्जी बचा के रखनी होती है, और इधर उधर यदि यह जहर छोड़ देगा तो फिर यह शिकार कर नहीं पाएगा और भूख से फिर इसकी जान चली जाएगी। तो आज एक हादसा होते होते लगभग बच गया, लोगों की नज़र पड़ गई इस पर, अच्छी बात थी। अगर लोग ध्यान से ईंट नहीं हटाते तो हो सकता था सांप से बाइट हो जाती उनको। तो कभी भी ऐसा सांप दिखे दोस्तों इससे दूरी बना के रखे, खुद से इसको हैंडलिंग करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। यही है दोस्तों भारतीय नाग,
स्पेक्टिकल कोबरा और जहरीला सांप होता है यह, बिल्कुल इससे सावधान रहें, दूरी बना के रखें। निकालिएगा डब्बा, निकालिएगा। ऐसे चलते हुए शॉट ले लो। देख सकते हैं दोस्तों, प्लास्टर पे चलने में इसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सांप का बॉडी क्या है कि अंदर से पूरा चिकना होता है और प्लास्टर का सरफेस भी बहुत चिकना होता है, इस वजह से इसे घर्षण नहीं मिल पाता है इस पर और इसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो चलिए इसे अब हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। आइए, देख सकते हैं साथियों, काफी सरलता पूर्वक जो है यह सांप डब्बे में जा रहा है, ना ही हमने इसका हेड होल्ड किया, ना ही हम लोग इसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, और बड़े आराम से जो है यह डब्बे के अंदर जा रहा है। तो सांप पकड़ने के जरूरी नहीं है कि उसका हेड होल्ड किया जाए, बिना गर्दन पकड़े भी उसे पकड़ा जा सकता है। तो चलिए इसे हम लोग अच्छे से रेस्क्यू कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और स्नैक के साथ। आपका स्नैक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत।